हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट टास्क एंड एक्टिविटी। आज हमारा टॉपिक है टास्क एंड एक्टिविटी। सबसे पहला हम ये समझेंगे कि टास्क क्या है। ए पीस ऑफ वर्क अंडरटेकन इज कॉल्ड एज टास्क। ए टास्क इज द वन विच इज परफॉर्म विद अ पर्टिकुलर पर्पज इन माइंड। द टास्क कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एन असाइनमेंट दैट इन असाइन टू समवन। देखिए, कार्य के एक भाग को टास्क कहा जाता है। ये एक तरीके का वह कार्य होता है जिसे किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। कार्य को एक असाइनमेंट के रूप में भी माना जाता है जो किसी को हम उसे जिम्मेदारी के तौर पर उसको देते हैं। टास्क को कम ऊर्जा और कम कार्रवाई की आवश्यकता होती है। कार्य एक गतिविधि के पूरा होने को संदर्भित करता है। टास्क वह है जिसमें शिक्षार्थियों पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है, जिसके माध्यम से टास्क देने के माध्यम से हम शिक्षार्थियों पर अत्यधिक ध्यान दे सकते हैं। कार्य एक समय सीमा के साथ आता है। नेक्स्ट हमारा एक्टिविटी। एक्टिविटी रेफर्स टू एन इवेंट विच इज हैपनिंग एंड एक्टिविटी मे और मे नॉट हैव सच अ स्पेसिफिक परपज। एक्टिविटी इज इवन एंड नॉट एन असाइनमेंट। एक्टिविटी कैन बी परफॉर्म कैजुअली डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर। गतिविधि क्या होती है? एक घटना को संदर्भित करती है जो उस टाइम पर हो रही होती है। एक गतिविधि का विशिष्ट उद्देश्य हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। गतिविधि सम है या असाइनमेंट नहीं है। गतिविधि में कम ऊर्जा और अधिक कार्रवाई होती है। गतिविधि को उसकी प्रकृति के आधार पर लापरवाही से किया जाता है। गतिविधियों पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं होता, ये एक सतत प्रक्रिया होती है। टाइप्स ऑफ टास्क। हम टास्क के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है इंसिडेंटल्स है ये। इंसिडेंटल्स आर वन टाइम टास्क that take a short time to complete, are easy to do and are not repeated. These incidentals are little things that help us and our family members, friends and co-workers get on our way to other more important tasks. ये जो घटनाएँ होती हैं, ये एक प्रकार एक बार का कार्य होती हैं जिन्हें पूरा करने में कम समय लगता है। ये कार्य करना आसान होता है और दोहराया भी नहीं जाता है। ये घटनाएं छोटी चीज़ें हैं जो हमें मदद करती हैं और हमारे परिवार के सदस्य, दोस्त, सहकर्मी, दूसरे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए हमारे रास्ते पर आते हैं। ये अक्सर दूसरों की सेवा करना और समस्याओं को रोकने का एक तरीका होती हैं। नेक्स्ट है हमारा रूटीन्स आर सेट ऑफ रिकरिंग टास्क वी नीड टू डू अगेन एंड अगेन। दीज रूटीन्स मेक अप द बल्क ऑफ द व्हाट वी डू डे टू डे, वीक टू वीक, मंथ टू मंथ एंड ईयर टू ईयर। इन फैक्ट इफ वी टेक अ लुक एट आवर टू डू लिस्ट वी विल सी दैट द वेस्ट मेजोरिटी ऑफ व्हाट वी पुट ऑन देम आर रूटीन टास्क। रूटीन क्या है? बार बार होने वाले कार्यों का सेट है जिन्हें हम बार बार करने की आवश्यकता होती है। हम प्रतिदिन, सप्ताह से सप्ताह, महीने दर महीने, साल दर साल क्या करते हैं। यदि हम अपनी टू डू सूचियों पर एक नज़र डालें तो हम देखेंगे कि जो कुछ हम उन पर डालते हैं उनका अधिकांश हिस्सा नियमित कार्य होता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट्स आर विग वन टाइम जॉब्स। दे आर ऑफन द टाइप ऑफ वर्क वी रियली वांट टू गेट बिकॉज दे प्रॉपर अ प्रोजेक्ट आवर लाइफ
फॉरवर्ड। प्रोजेक्ट बड़े होते हैं, ये अक्सर काम के प्रकार हैं क्योंकि वे हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं। ये प्रोजेक्ट जो करते हैं हम आमतौर पर एक ही परियोजना को बार बार नहीं करते हैं। हम आमतौर पर एक विशेष परियोजना को नियमित रूप से करते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स आर इश्यूज दैट स्टॉप अस इन आवर ट्रैक्स एंड टेक अप प्रोसीजर ओवर एवरीथिंग एल्स। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स वी हैव इज स्मॉल रिलेटिव टू नंबर ऑफ इंसिडेंटल एंड रूटीन टास्क वी हैव। समस्या ऐसे मुद्दे होते हैं जो हमें अपनी पटरियों पर रोकते हैं और बाकी सब चीज़ों पर पूर्णता बरतते हैं। यदि हमारे पास जितनी समस्या हैं वे हमारे द्वारा की जाने वाली आकस्मिक और नियमित कार्यों की संख्या के सापेक्ष छोटी होती हैं। अब टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। एरोबिक एक्टिविटीज, इफ यू हार्ड वीट्स फास्ट एंड यू ब्रीथ हार्ड इट्स एन एरोबिक एक्टिविटी। यदि आपका दिल तेज़ी से धड़कता है और आप कठिन सांस लेते हैं तो ये एक एरोबिक गतिविधि होती है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। फ्लेक्सिबिलिटी एक्टिविटीज की योर मसल्स रिलैक्स्ड एंड जॉइंट्स मोबाइल दे स्टॉप यू गेटिंग इंजर्ड और सोर। लचीलेपन की जो गतिविधियाँ आपकी मांसपेशियों को आराम देती हैं और जोड़ों को मोबाइल करती हैं वे आपको घायल या पीड़ादायक होने से रोकती हैं। जैसे योग करना, गोल्फ खेलना, नृत्य करना, घरेलू काम करना। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। मसल्स स्ट्रेंथिंग एक्टिविटीज इंक्रीज मसल्स मास स्ट्रेंथ मसल्स इम्प्रूव पोस्चर एंड बैलेंसिंग वेट बियरिंग एक्टिविटीज स्ट्रेंथ बॉन। मांसपेशियों को ये मजबूत करने वाली गतिविधियाँ होती हैं जैसे मांसपेशियों में वृद्धि, मांसपेशियों को मजबूत, मुद्रा और संतुलन में सुधार। ये वजन वहन करने वाली गतिविधियाँ हड्डी को मजबूत बनाती हैं। नेक्स्ट है बैलेंस यानी संतुलन। बैलेंस एक्टिविटीज आर इम्पोर्टेंट टू हेल्प पीपल प्रिवेंट फॉल्स। फॉल्स कैन बी कॉज्ड बाय मसल्स वीकनेस अनस्टेडीनेस द एनवायरमेंट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। ये लोगों को गिरने से रोकने में मदद करने के लिए संतुलन गतिविधियाँ महत्वपूर्ण होती हैं। मांसपेशियों की कमजोरी अस्थिरता पर्यावरण या अन्य वस्तुओं के कारण फॉल हो सकता है। पैर की मांसपेशियों को संतुलित करने के लिए ये एक अभिन्न अंग है क्योंकि ये शरीर को स्थिर करने के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य मांसपेशियों में से निम्न है।